गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो देख सकते हैं आप, यार मैंने मेहंदी लगाई ली जो मेरे आगे वाइट वाइट बाल हो रहे थे उनमें मैंने मेहंदी लगा ली है। तो अभी मैंने कॉम नहीं करा है, पर हाँ मेहंदी वेदी लगाई तो थोड़ा कलर अच्छा आ गया है बालों में। और शाम हो चुकी है, ये भी ऑफिस से घर आ चुके हैं। मैंने अभी भी जस्ट व्लॉग करना शुरू करा है। आजकल भूनके और मच्छर बहुत होने लगे हैं, और जहाँ पे अगर आप मूड साफ रख दो ना तो वहाँ पे छोटे छोटे से घूम के कीड़े टाइप के हो जाते हैं जो बहुत गंदे लगते हैं, पर इस मौसम में हो जाते हैं, सब जगह ही होते हैं। तो मैं बालकनी में भी जस्ट आई, थोड़ा बहुत मौसम अच्छा हो गया। अब मौसम ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा आपको लगता है कि ना वो एहसास हो रहा है कि थोड़ा सा हाँ ठंडा सा मौसम, मतलब बहुत ठंड तो नहीं पर हाँ थोड़ी हवा में ठंडक सी आ गई है। जो सेप्टेम्बर मतलब अक्टूबर लग गया है वैसा वाला माहौल क्रिएट होने लगा है। तो नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं परसों से, मीन 7 तारीख से, थर्सडे से। और एक चीज़ और कि इस बार गुजरात में गरबा होगा, तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि गरबा होगा, तो हमारी सोसाइटी में भी गरबा होगा। तो मैं आपको वहाँ ले चलूँगी, इन्जॉय करेंगे हम लोग गरबा। हालांकि मुझे करना नहीं आता गरबा, पर मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना। और तो मेन चीज़ होती है कि ड्रेसअप होकर जाना, वरना तो यहाँ कोई ऐसा ओकेज़न नहीं पड़ता कि आप अच्छे से ड्रेसअप हो। पर मेरा क्रेज़ यही रहता है ज़रा कि मैं अच्छे से ड्रेसअप हो जाऊँ और जाऊँ वहाँ पर। तो मैं भी चलूँगी, देखती हूँ। इस बार मन है कि मैं हर दिन जाऊँ, देखते हैं कितने दिन जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। क्योंकि क्या कुछ गाइडलाइंस आएंगी, उनके बिहाफ पे ही गरबा अलाउ करा गया, तो वो गाइडलाइंस मुझे क्लियर नहीं पता है। पर जितना पता है कि हाँ इस बार गरबा होगा, तो एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर गरबा। तो यहाँ पे मैं किचन में खाना बनाने आई थी शाम का, तो अभी देखते हैं क्या बनाना है खाने में। मैं फिर जा गया था एक चीज़ और, आजकल मुझे समझ नहीं आता मैं खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि खाने में ना कोई भी चीज़ टेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज़ में, सब चीज़ बेकार सी लग रही है। तो उसका कुछ करा नहीं जा सकता, जो सब्जी आएंगी वो तो बनेंगी। और यहाँ देखिए निशा महाराज अपना कार्टून देख रहे हैं। हाय कर लो, हाय कर लो, हाय। तो चल तो अपना चल रहा कार्टून। तो अभी जस्ट मैं क्या कहते हैं सारे काम से ख़त्म करके अभी आई हूँ, और मैंने बर्तन वर्तन भी धो लिया। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरी टी शर्ट चेंज हो चुकी है, तो जब मैं बर्तन धोती तो मेरे कपड़े गीले होते, फिर मैं कपड़े चेंज करती हूँ। तो अभी अभी हमारे यहाँ थोड़ी देर पहले मतलब लगभग 1-1.5 घंटे पहले एक मुझे फ्लिपकार्ट से पार्सल रिसीव हुआ है, जिसकी हम आज अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आप लोग भी सोच रहे हो कि आजकल हमारे ब्लॉग में बहुत अनबॉक्सिंग हो रही है, तो वो ये हो रही है कि हम शॉपिंग कर रहे हैं, जिसमें आप सब जानते हैं कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट सब पे मिंत्रा सब पे सेल आई हुई है, तो शॉपिंग जाहिर सी बात वहीं से हो रही है। तो दिखाते हैं आपको क्या आया है और कैसा है, कैसा है वो हमें खुद भी नहीं पता, पर क्या है तो ये हमें पता है। तो अभी चलिए आपको दिखाते हैं। आप बार बार बीच में जंप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पापा के साथ बॉल खेल रहे हो, चलो खेलो बॉल। तो आप अनबॉक्सिंग करेंगे क्या? आपकी जैकेट है तो ये शुभ काम आप ही के हाथों से होना चाहिए। इधर भी दिखा दूं आपको क्या तूफानी हो रहा है। इसको बहुत मजा आता है अनबॉक्सिंग देखने में। चलो ना, ये जैकेट है इनकी, अरे देखने में तो अच्छी लग रही, कलर वाला भी इसका शानदार लग रहा है। नो हमने मीडियम बोला था, नहीं तो फिर हमने भेजा मीडियम था। चलो पहन के देखो, ट्राई तो करो। यो यो कैसी क्वालिटी, कैसी लाइट वेट है कि नहीं? हाँ अभी पहन ही नहीं, गरम पहले लाइट वेट है कि नहीं? लाइट वेट तो नहीं है, मतलब हैवी है क्या? शोल्डर देखें हल्का डाउन जा रहा है, इससे ना पास आना, हमने दे रहे मिनी मॉडल इधर पास आना, पास आना हल्का से देखते हैं। हल्की यार बड़ी लग रही है ना, मीडियम मंगाओ तो सही रहेगी। ये देखो ये भी इस न्यूज़ यहाँ तक आ रही है, नहीं यहाँ मगर तक आती है, लगे लगे मुताबिक। हेलो कर रहे हो डम 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 करके दिखाओ। डम 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 आ
वाह। और नच्चू कैसे करते हैं, शंकर शिव जी कैसे करते हैं, शंकर जी का डमरू बजे, पार्वती का नंदन नाचे, शंकर जी का डमरू बजे, पार्वती का नंदन नाचे। अब गणेश हो गया, आप शिव जी हो क्या? डमरू कौन बजाता है, डमरू कौन बजाता है? शिवजी बजाते हैं ना, शिवजी का डमरू होता है, शिवजी का डमरू होता है ना, भगवान जी का। और नच्चू करके दिखाओ जरा डमरू वाली नच्चू। अले अले घुमा घुमा, हर बार बजा रहा डमरू, फिर मम्मा से कह रहा है मम्मा मोर फोटो मोर फोटो। आराम से गिर मत जाना। अब क्या करोगे? हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल, हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स मैन। पुली करके गाना गाना है, कौन सा पुली करके गाना होता है सुनाओ, आपको आता है? बस भैया गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे। ईशा रुक जा, रुक जा। क्या गा रहे हो, गाना गा के सुना दो। हा? कौन सा गाना गा रहे हो? क्या कर रहे हो अभी आप? नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? मामा के टी-शर्ट में नहीं डालो, निकालो निकालो निकालो। ओवर एक्साइटेड। मेरा मेरी बॉडी है ना वो ट्रैक हो गया निशल का, इस पे गाड़ियां चल रही हैं बहुत देर से। निशल नहीं नहीं, मामा को चोट लगती है ना, मामा को चोट लगती है नहीं, मामा के ऊपर गाड़ी नहीं चलाओ, मामा के ऊपर गाड़ी नहीं चलाओ। ठीक है मामा, थैंक यू निशल, थैंक यू मामा। ओह अरे निशल बस हो गया, पूरे सौ में लगा धागा, चिगलू पिगलू भागा, चोड़ को पकड़ लो, रस्सी में जकड़ लो, आदमी नूरू डिंग डिंग डम डूंग डिंग डम, चीटा लिया चीटी। इसको रखो सर पे, हाथ कौन सी लोरी कहानी सुननी है, स्टोरी। तो कौन से आपको कौन से? एक बार एक जंगल में लायन था, सुनो तो एक बार अगर तो गाइस मैं अपना दूध पी रही हूँ और निशल शैतानी कर रहा है। निशल आपने अपना दूध पिया? नहीं पिया ना, क्यों नहीं पिया आपने अपना दूध? क्यों नहीं पिया? हाँ हाँ दो, कितना प्यार हो रहा, लाड़ हो रहा, दूध गिर जाएगा निशल, पता नहीं। गाइस इसी के साथ हम आज अपने ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।